सो हाय फेलो चेंगो। सो गाइस, जिस चीज़ को हम लोग पिछले 3-4 महीनों से वेट कर रहे हैं कि पबजी मोबाइल इंडिया या पबजी मोबाइल ग्लोबल इंडिया के अंदर कब वापस आने वाली है, एक्चुअल में पूरी की पूरी वो सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। एंड इवन पबजी मोबाइल इंडिया छोड़ो, पबजी मोबाइल ग्लोबल तक अब इंडिया के अंदर वापस आ सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। जो चीज़ भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ वो मेरे हिसाब से एंड मुझे लगता है कि आप लोग भी इससे काफी हद तक सेटिस्फाइड हो गए। अगर आप लोग सेटिस्फाइड होते हो मेक श्योर कॉमेंट करके जरूर से बताना, एंड अगर नहीं होते हो तो अपना ओपिनियन जरूर से लिखना कॉमेंट बॉक्स में, जरूर पढ़ूंगा एंड मेक श्योर मैं रिप्लाई करने की ट्राई करूंगा। तो लेट्स बिगिन। सो गाइस, इन द स्टार्टिंग ऑफ वीडियो मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देता हूँ, इस वीडियो में मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ वो कुछ भी हवा में नहीं है, एंड उसको आप लोग रीचेक कर सकते हो इंटरनेट पे अभी के अभी जाकर, जिससे आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाए। एंड अगर तब भी कोई डाउट होता है आप लोग नीचे धमाधम कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई देने का पूरा ट्राई करूंगा। तो गाइस, आप लोगों को याद होगा हमारी पबजी मोबाइल सितंबर 2020 को बैन हुई थी, जो कि हम लोगों के लिए बिल्कुल ही शॉकिंग डिसीजन था। बट क्या ये एक्चुअल में बिल्कुल ही शॉकिंग डिसीजन था हम लोगों के लिए, या फिर हम लोगों ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था? आज से हम लोग याद करते हैं 8-9 महीने पहले, जब हम लोगों की जो चाइना के साथ सिचुएशन थी बॉर्डर्स पे काफी खराब होने लगी थी। मतलब मेनली मेरे हिसाब से गलवान वैली हो गया या फिर पैंगोंग लेक पे काफी हद तक हमारी सिचुएशन खराब होती थी, एंड वहां पे चाइनीज आर्मी धीमे धीमे नो मैन लैंड में आगे बढ़ती थी, जो कि बिल्कुल ही गलत था। इस वजह से इंडिया ने भी उनको जवाब तो देना ही था। उस वजह से हमारी इंडिया की फोर्सेस और चाइना की जो फोर्सेस थे बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आ गई थी, एंड यही सबसे बड़ा रीजन था इसकी वजह से चाइना और इंडिया की जो सिचुएशन थी मतलब बिल्कुल ही खराब हो गई। देखो, अगर बॉर्डर पे किसी कंट्री की सिचुएशन सही नहीं होगी तो वैसे भी उन दोनों कंट्रीज में अच्छे रिलेशन तो हो ही नहीं सकते, और इंडिया ने काफी ज्यादा अच्छा मैं बोलूंगा रिस्पॉन्स दिया। क्योंकि देखो, जो बॉर्डर पे सिचुएशन थी वो तो थी, लेकिन इंडिया बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा, उसने एप्लीकेशंस ब्लॉक किया, और सबसे बड़ी चीज जो कि हम लोगों ने ध्यान नहीं दी वो चीज थी एफडीआई को ब्लॉक कर दिया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कि चाइना की तरफ से आने वाली थी वो आज से 9 महीने पहले इंडिया ने ब्लॉक कर दी थी, जो कि वैसे काफी बड़ा शॉकिंग स्टेप था। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि इन सब चीजों का एक्चुअल में लेना देना क्या है। देखो, ये सारी की सारी चीजें ना बिल्कुल एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अभी आप लोग देखो, 8-9 महीने पहले हम लोगों की चाइना के साथ सिचुएशन खराब हुई, तो उसके बाद हम लोग ये चीज एक्सेप्ट कर सकते हैं। अभी देखो, मानना तो पड़ेगा, तभी से हमें ये चीज लगने लगी थी, क्योंकि पहले जो वेव आई थी एप्स को ब्लॉक करने में उसमें टिकटॉक बैन हुआ, उसके बाद दूसरी जब वेव आई उसके अंदर भी काफी अच्छे अच्छे एप्लीकेशन, अच्छे तो मैं कभी यूज नहीं करता था वैसे बोल रहा हूँ, कि काफी बड़े बड़े एप्लीकेशन ब्लॉक हुए। तीसरी मेरे हिसाब से जो वेव थी उसमें पबजी मोबाइल को भी इन्होंने बैन कर दिया, शायद सेकंड वेव में करा था, मुझे सही से याद नहीं अभी। उसका मेन रीजन ये दिया गया था कि जो हमारी कंट्री है उसके लिए ये जो ऐप है सिक्योर नहीं है। बट एक्चुअल में अगर आप लोग खुले दिमाग से सोचोगे ना, आज से 2 साल पहले से ये एप्लीकेशन चल रहा है, लेकिन आज तक कभी इसको बैन नहीं किया गया। और इसको कब बैन किया गया, जब चाइना के साथ बॉर्डर पे हमारी सिचुएशन खराब हुई थी। देखो यार, इस तरीके से होता क्या है कि कभी भी ना हम लोग किसी कंट्री के साथ सिचुएशन खराब हो जाए तो ऐसे नहीं कह सकते कि हम लोग डायरेक्ट भाई तुम लोगों से पैसा लेना बंद कर देंगे, पैसा लेना इन द सेंस उनको इन्वेस्ट करने से मना कर देंगे, जो एफडीआई को इन्होंने बैन किया था। एंड उसके बाद ये चीज नहीं कह सकते कि हम सीधा तुम्हारे एप्लीकेशन को बैन कर देंगे क्योंकि तुमने हमारे साथ बॉर्डर पर सिचुएशन खराब किया, ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि यार, पूरे हमें हर कंट्री के साथ आगे बढ़ना होता है, और काफी दुनिया में रूल्स हैं जिनको इस तरीके से हम लोग वायलेट नहीं कर सकते, वरना इंडिया पूरी दुनिया के साथ आगे कैसे बढ़ पाएगा। इस वजह से इनडायरेक्टली तरीके से मतलब चाइना को हमें ये दिखाना था कि भाई हम लोग पीछे नहीं हटने वाले, अगर तुम लोग कोई भी पंगा करोगे, एंड वो चीज हम लोगों ने शो की भी। लेकिन यार, ये सारी बातें मैं आप लोगों को जस्ट इस वजह से बता रहा था कि आप लोग मेन चीज को समझ पाओ, लेकिन आज की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल ही चेंज हो रही है। अभी देखो क्या हो रहा है कि आप लोग को शायद ये चीज ना बताओ, अगर आप लोग इकोनॉमिक्स को या फिर करंट अफेयर को फॉलो नहीं करते हो, इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो काफी अच्छे हो रहे हैं। मतलब ये चीज शायद आप लोगों को थोड़ी शॉकिंग लग रही होगी, मैं आप लोगों को बताता हूँ ये चीज एक्चुअल में किस वजह से हो रही है। सबसे पहली चीज, अभी आपने देखा होगा लास्ट 9 महीने से पैंगोंग लेक में काफी टेंस सिचुएशन थी, लेकिन फाइनली वहां पे इंडिया और चाइना का डिसएंगेजमेंट हो चुका है। मतलब दोनों कंट्रीज की आर्मी ने आपस में डिस्कस किया, एंड फाइनली एग्रीमेंट हो चुका है कि जहां पे वो पहले खड़े थे वो लोग भी चले जाएंगे, जहां पे हम पहले खड़े थे वहां पे चले जाएंगे। मतलब जो मतलब लड़ाई वाली वो सिचुएशन बन रही थी ना, वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है जैसे 9 महीने पहले थी। लेकिन ये पैंगोंग लेक वाले एग्रीमेंट में थोड़ी और चीजें जो कि मतलब थोड़ी ऊपर नीचे है, वो फिलहाल मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाला, क्योंकि वो लेना देना ही नहीं है वीडियो से। सेकंड चीज ये, जो कुछ टाइम पहले गलवान वैली में इंडिया और चाइना की जो आपस में लड़ाई सी हुई थी अभी कुछ टाइम पहले, आपको याद होगा अगर आपने न्यूज में देखा होगा, तो चाइना ने अपनी तरफ से उसकी एक वीडियो निकाली है। मतलब हर एक कंट्री निकालती होती है अपने सिविलियंस को दिखाने के लिए। एक्चुअल में क्या हुआ था, इन्होंने काफी लेट दिखा ली, और ये तो काफी टाइम तक मान भी नहीं रहे कि इनके कितने सोल्जर मरे हैं। तो फिलहाल इन लोगों ने ये वीडियो निकाली है, एंड इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज है देखने वाली कि इन्होंने एक बार भी ये नाम ही नहीं लिया कि इंडिया के साथ हमारी लड़ाई चल रही है। इन्होंने बस ये बोला अपने सिविलियंस को दिखाने के लिए कि हमारी चाइनीज आर्मी की लड़ाई कुछ फॉरेन पावर्स के साथ चल रही है, इस तरीके से इन्होंने शो किया, और इंडिया का एक बार भी नाम नहीं लिया, जो कि काफी पोलाइट जेस्चर था चाइना की तरफ से। अगर वो लोग चाहते तो काफी ब्रूटली भी शो कर सकते थे, हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन हर कंट्री अपने आप को सुपीरियर दिखाती है अपनी जनता के सामने। इस तरीके से वो लोग चाहते तो शो कर सकते थे कि हमने ऐसा ऐसा किया, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन उन्होंने बिल्कुल एक नॉर्मल वीडियो रखा। और वैसे भी वो वीडियो पूरी दुनिया के लिए नहीं, वो उनके सिविलियंस के लिए था, तो वो चाहते कुछ भी उसमें दिखा सकते थे, लेकिन नहीं दिखाया, जो कि एक और पोलाइट जेस्चर था उनकी तरफ से। तीसरी चीज, अभी आप लोगों को पता होगा कि आने वाले 3-4 महीने के अंदर इंडिया के अंदर ब्रिक्स समिट होने वाले है, जिसके अंदर जितने भी बड़ी बड़ी कंट्रीज के मतलब प्रेसिडेंट है वो आएंगे, जिसके अंदर चाइना के शी जिनपिंग ने भी इंडिया के अंदर आना है, जो कि न्यू दिल्ली में होने वाली है। एंड उसके लिए अभी ट्विटर पर थोड़े से वर्ड्स एक्सचेंज हुए थे, जहां पे चाइना की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आई थी कि वो लोग काफी खुश हैं कि इस बार ब्रिक्स समिट इंडिया के अंदर हो रही है, न्यू दिल्ली के अंदर, और चाइना इसको जरूर ज्वाइन करेगा और काफी एक्साइटेड है इसके लिए, और
इतना नहीं, इंडिया की तरफ से भी वर्ड एक्सचेंज हुए थे कि जहाँ पे इंडिया ने बोला था कि हाँ हम भी काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, आप लोग ज़रूर आना। एंड ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जब शी जिनपिंग इंडिया के अंदर आएंगे अभी आने वाले कुछ 4-5 महीने के अंदर, तो उस चीज़ को बहुत बड़े और अच्छे तरीके से इंडिया में शो किया जाएगा इंडियन मीडिया के थ्रू, एंड गवर्नमेंट भी इसको अप्रिशिएट कर सकती है। इसके यार काफ़ी रीज़न है, लेकिन उससे पहले हम लोग एक बार फोर्थ पॉइंट देखते हैं जो कि लास्ट पॉइंट है, जो कि इंडिया की तरफ से स्टेप लिया गया है। अभी तक हम लोगों को यही सब सुनने में आ रहा था कि इंडिया ने चाइना के अगेंस्ट ये किया वो किया, लेकिन यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव स्टेप लिया है चाइना के लिए इंडिया ने। आप लोगों को याद होगा जब 9 महीने पहले चाइना के साथ काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड अप सिचुएशन हो गई थी, काफ़ी खतरनाक लग रहा था कि अभी जंग भी हो सकती है, तब उस टाइम पे इंडिया ने FDI पे रोक लगा दी थी। बेसिकली FDI होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एंड इसके अंदर क्या होता है, जितने भी आसपास की नेबरिंग कंट्रीज होती है ना, उससे कोई भी कंट्री इंडिया के अंदर कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता, जिसमें मेनली हम लोगों ने टारगेट चाइना को ही किया हुआ था। मतलब उनकी कोई भी पैसा हम लोग इंडिया के अंदर आने नहीं देंगे, लेकिन अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि उनका पैसा इंडिया में आ भी रहा है तो क्या नुकसान है। भाई बहुत नुकसान है, अगर वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा किसी कंट्री में किसी कंपनी के अंदर डाल देंगे, मान लो मतलब एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ मारुति सुजुकी, अगर उसके बहुत ज़्यादा उसमें वो लोग पैसा डाल देते हैं और शेयर्स एक्वायर कर लेते हैं, तो एक्चुअल में वो काफ़ी हद तक ओनर बन जाएंगे मारुति सुजुकी में, और जितने भी बड़े बड़े मतलब डिसीजंस होंगे कुछ भी होंगे ना, उसमें उनकी भी राय लेनी ज़रूरी हो जाएगी। तो ये चीज़ रोकने के लिए इंडिया ने FDI को बंद किया था। मैंने इसके बारे में मोटा मोटा समझा दिया है कि FDI को बंद करने का क्या रीज़न था, अगर नहीं समझ आया तो आप लोग कॉमेंट करना, मैं बता दूंगा। फिलहाल अभी जो सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि चाइना ने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मतलब इतना अच्छा जेस्चर इंडिया को शो किया, तो इंडिया ने भी एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ शो की है, जो कि FTI चाइना के लिए खोल दिया गया, मतलब FDI को हटा ही दिया गया पूरी तरीके से, एंड अब चाइना अगर चाहता है तो इंडिया के अंदर फिर से इन्वेस्ट कर सकता है। एंड ये सारी चीज़ें बेसिकली मैं आपको इसी वजह से बता रहा हूँ, मतलब आपको शायद लग रहा होगा इसका क्या लेना देना है क्या है, लेकिन अगर आप लोग एक इकोनॉमिक के स्टूडेंट हो या फिर अगर आप लोग करंट अफेयर को पढ़ते हो तो आप लोग देख के नॉर्मली समझ सकते हो, और अगर आपको नहीं भी पता तो मैं आपको बता देता हूँ, ये पूरी की पूरी वो मतलब भूमिका बन रही है, भूमिका कह लो हिंदी का शब्द, कि इंडिया के चाइना के साथ या चाइना के इंडिया के साथ पिछले 9 महीने में जितने भी रिलेशन खराब हुए हैं उन सबको अब बिल्कुल सही करने की कोशिश की जा रही है। उसके यार काफ़ी रीज़न है, देखो इंडिया को भी ज़रूरत है चाइना की, चाइना को भी इवन इंडिया की ज़रूरत है। अभी क्या था कि इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप की मतलब गवर्नमेंट थी ना, तब डोनाल्ड ट्रंप मतलब एक कह सकते हैं कि ऐसे US के प्रेसिडेंट थे जो कि बिल्कुल ही चाइना के अगेंस्ट है, मतलब वाट लगा दी थी चाइना की पूरी तरीके से, इतने सेंशंस ठोक दिए थे उनके ऊपर कि उनको मतलब दिमाग का दही हो गया था पूरा का पूरा। एंड वहाँ पे वो बिल्कुल मजबूर थे कि वो पूरी दुनिया को शो उनके लिए करना ज़रूरी हो गया था कि भाई हम भी कोई छोटा मोटा देश नहीं है, USA से डर रहने वाले, इस वजह से वो इंडिया पे भी चढ़ने की कोशिश कर रहे, क्योंकि इंडिया के USA से अच्छे रिलेशन है। एंड इसी टाइप से सिर्फ इंडिया में नहीं, उनके मतलब जितने भी नेबरिंग कंट्री है ना, उन सबके साथ ही उनका चाइना का कुछ ना कुछ पंगा चलता ही रहता है, अजीब ही है मतलब ये लोग। लेकिन अब जब से जो बाइडेन की गवर्नमेंट आई है तो वो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है चाइना के लिए, और चाइना बिल्कुल मतलब नॉर्मल है। आप लोग खुद सोचो ना, अभी आज से 9-8 महीने के पहले जो मतलब इतना ज़्यादा बात लगी हुई थी चाइना की, या फिर इंडिया में जो इतना पंगा चल रहा था, इससे पहले शायद अभी आप लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा कि चाइना के साथ इंडिया के इतने रिलेशन खराब चल रहे हैं। हमारे जो नॉर्मल न्यूज़ आती है वो यही आती है, इंडिया पाकिस्तान ने ये हुई, सीज फायर का उल्लंघन हो गया, ये वो, मतलब चाइना के साथ बहुत ही रेयरली कभी आपने सुनी होगी पहले न्यूज़। और अभी पिछले 9 महीने से एंटी चाइना का कोई प्रोडक्ट नहीं लेंगे, वैसे मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ क्योंकि मैं इंडिया का हूँ। वैसे मैं आपको जस्ट ऐसा मतलब स्टूडेंट उसका इकोनॉमी का होने के हिसाब से बता रहा हूँ कि इस तरीके से होती हैं चीज़ें। फिलहाल यार काफ़ी टेक्निकल बातें होगी, मेन चीज़ मैं आप लोगों को ये बताऊँ तो जो यहाँ पे बन रही है पोजीशन वो यही है कि इंडिया और चाइना अपने जो रिलेशन है उनको सही करने की कोशिश कर रहे हैं। जब रिलेशन सही होंगे तो नॉर्मली जैसे FDI को खोल दिया गया है, वैसे ही बड़े बड़े जो और चीज़ें हैं, जो भी एप्लीकेशन है या फिर जितनी भी चीज़ें बैन की गई हैं, उनको धीमे धीमे करके खोले जाएंगे। इस पर काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि पबजी मोबाइल इवन ग्लोबल जिसको हम लोग पहले खेलते थे वो भी इंडिया के अंदर वापस आ जाए। क्योंकि देखो यार अभी आप लोग खुद सोच, 2018 में आई है पबजी मोबाइल, एंड इतने साल मतलब 2 साल से ऊपर, 2 साल के आसपास तो हो ही गए थे, इतने टाइम से कभी इसको बैन नहीं किया गया, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जैसे ही चाइना के साथ रिलेशन खराब हो, इसके ऊपर ये बोल दिया गया कि ये हमारे मतलब इंडिया के लिए सिक्योर नहीं है, ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। इवन क्राफ्टन ने काफ़ी बार प्रूव करने की कोशिश भी की, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट थी काफी थी चाइना के अगेन, जितनी भी उनके आसपास की चीज़ें थी उन सबको बंद करना चाहती थी, जिससे चाइना को हम लोग भी ये शो कर सके कि भाई हम तुमसे कोई डरने वाले नहीं और हम लोग भी तगड़ा स्टेप ले सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे सिचुएशन अब ठीक हो रही है एंड जैसे जैसे सब नॉर्मल हो रहा है, तो मोस्टली काफ़ी हद तक चांसेस है कि आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर, अभी टाइम तो मैं बता नहीं सकता, कोई क्राफ्टन ने पबजी वाले किसी ने नहीं बताया, लेकिन जो सिचुएशन बन रही है हो सकता है आपको काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें देखने के लिए मिले। मतलब जैसे पुराने रिलेशन थे वैसे हुए, चाइना की इन्वेस्टमेंट इंडिया में आए, इंडिया भी चाइना में करे, हालांकि अपनी इतनी ज़्यादा है नहीं वहाँ पे क्योंकि अभी हम लोग इतना एक्सपोर्ट करते नहीं है, बट ये टेक्निकल बातें हो गई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, अगर आप लोग मेरे पॉइंट से थोड़ा सा भी एग्री करते हो, एंड एक चीज़ बता दूँ, जितना भी मैंने इस वीडियो में बताया ना, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया, जो चीज़ें हो रही हैं दुनिया के अंदर एंड जितने भी हो रही हैं चीज़ें वो ही बताई हैं, आप लोग खुद इसको न्यूज़ पे रीचेक कर सकते हो। तो आप लोग ऐसा मत समझना कि जो भी चीज़ें मैंने बोली हैं मेरा कोई ओपिनियन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल आप लोग कॉमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है, एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो मेक श्योर लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो कि इन फ्यूचर शायद पबजी मोबाइल इंडिया नहीं पबजी मोबाइल ग्लोबल ही वापस आ जाए अभी इंडिया के अंदर। फिलहाल देखते हैं क्या होता है, मैं भी देख रहा हूँ आप भी देख रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।